तो मेरा बायोप्सी टेस्ट हुआ है और कल से मैं हॉस्पिटल में एडमिटेड हूँ। यहाँ पे सुई लग गया था, अभी भी नहीं खोला है। बहुत तकलीफ हो रही है और मेरे खून भी आया और नाक से, और कुछ दिनों के लिए आता रहेगा। यहाँ से जो लग गया था इंजेक्शन वो खोला है, ये बाकी है खोला। 1 week later. तो अभी हम लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं ये होटल के आसपास। हमारा लास्ट डे है वेल्लोर में, कल चेन्नई चले जाएंगे। तो अभी हम डिनर करेंगे और ये है स्टार्टर प्रॉन चिल्ली प्रॉन। हम लोगों ने फ्राइड राइस लिया, रोटी लिया और चिकन करी वगैरह लिया। The next day. तो अभी हम लोग खेलने जा रहे हैं कैंप से। बाय। तो मैं अभी घर से हूँ, हम लोग देख सकते हैं बैकग्राउंड मेरा रूम। तो हाँ, मेरा चेन्नई का ब्लॉग भी बाकी है, हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जो मेरा इतना सारा टेस्ट हुआ सीएमसी हॉस्पिटल में, सीएमसी हाँ हॉस्पिटल नहीं है, कॉलेज में हॉस्पिटल में होने वो, तो डॉक्टर लोगों ने बोला कि मेरा जो कैंसर सेल्स है वो वापस नहीं आया। लेकिन जो मेरा अभी जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो एक्चुअली रेडिएशन का साइड इफेक्ट है। रेडिएशन मुझे कैंसर का, मेरा कैंसर जो हुआ था उससे एक ट्रीटमेंट का हिस्सा था, तो उसकी वजह से अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। और जो नाक का, मतलब जो मेरा म्यूकस, नाक से म्यूकस आता रहता है, उसके लिए स्प्रे दिया है मैंने लोगों को। ये स्प्रे दिया है, ये हर पहले बोला था दो हफ्ते, तो बाद में नहीं, मतलब सब बोला था कि एक दो हफ्ते बाद 3 घंटे बाद लेने के लिए, मतलब हर 3 घंटे में लेना पड़ता है। और धीरे धीरे 1 महीने बाद हर 4 घंटे में लेना पड़ेगा। तो शायद ये एक सोच है, शायद सीख हो जाऊँ, नेक्स्ट चेकअप में नेक्स्ट ईयर को जाऊँगी, तब मैं अपोलो ही चली जाऊँगी, वेल्लोर नहीं जाऊँगी। वहाँ थोड़ा लेट होता है, डॉक्टर अच्छा है लेकिन मैनेजमेंट थोड़ा केयरलेस है। मेरा ब्लड टेस्ट हुआ, MRI, CT स्कैन, फेस स्कैन, फिर बायोप्सी, हाँ इतना ही। ब्लड टेस्ट भी 9 बार हुआ, एक्चुअली 3 बार हुआ, उसमें से नॉर्मली 9 बार डॉक्टर ने सही किया और 1 बार इमरजेंसी में। इमरजेंसी में मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप मरने वाले हो ना तो इमरजेंसी में मर जाओ, क्योंकि हमने ENT डॉक्टर का 5 आवर्स वेट किया, फिर भी नहीं आया। 5 आवर्स से ज़्यादा हो गए थे एक्चुअली, फिर भी डॉक्टर नहीं आया। तो हम लोग चले गए थे साइंस करके, और क्योंकि इतना ही वेट करना है तो अपॉइंटमेंट लेके 1-2 घंटा वेट करके ही डॉक्टर से मिल सकते हैं। इमरजेंसी में जाने का कोई फायदा ही नहीं है। फालतू में मेरा ब्लड टेस्ट भी ले लिया था। और हाँ, इतना ही, आप लोग मत प्रे करना कि मेरा जो
ट्रीटमेंट का साइड इफेक्ट है वो जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि मेरा कैजुअल लाइफ में प्रॉब्लम्स होता है, पहले कॉलेज में सुनने में प्रॉब्लम होता है और अब सिर्फ कॉलेज में अभी भी होता है। और मैं मेरा एक भैया को छोटा भाई को भैया नहीं छोटा भाई को ट्यूशन कराती हूँ, तो सुनने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, स्पेशली रिसेंटली जब से मैं बायोप्सी से बात से ना पता नहीं क्यों बायोप्सी टेस्ट से बात से मेरा ना सुनने का वो थोड़ा ज़्यादा हो गया है, ऐसा फील हो रहा है मुझे, लेकिन आवाज़ इम्प्रूव हो गया है, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ से समझ में नहीं आ रहा है। तो बस ऐसे तो जॉब वगैरह मिलने में भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में वो इंटरव्यूअर जो ले मुझे जो इंटरव्यू लेगा इंटरव्यूअर वो अगर कुछ बोलेगा तो मुझे किसी से सुनाई में नहीं देगा, मैं कुछ बोलूँगी माई साथ अगर उसे मेरी बात समझ में ना आए तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे। तो फिर सलाह हम लोग मेरे लिए चेन्नई का ब्लॉग भी जल्दी आएगा। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।